बसमिल्लर द उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगबरक क़रम से खैरफ़ीसी होंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको सूर कहाव की फजलत के बारे में बताऊँगा और सुर कहा के चार वज़ाफ़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगर ये चार वज़ाइफ आप कर लेते हैं इन शह ज़िंदगी बदल जाएगी जो भी आपका मकसद होगा वो इन शार वज़ायफ़ में पूरा हो जाएगा तो इस अमल को बताने से पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यह दुआ करता हूँ कि मेरी जो भी मुसलमान बहनी और भाई जो मेरी आज की यह वीडियो को देख रहे हैं अगर वो परेशान अपने किसी मकसद में कामयाबी चाहते हैं तो मैं अल्लाह व तआला से यह दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जो है इस अमल को करने की बदौलत से और हजूर नबी पाक पाकम के वसीले से अल्लाह पाक उनके हर बड़े मकसद में कामयाबी अता कर दें जो भी वो अल्लाह पाक से मांगना चाहते हैं अल्लाह पाक उन्हें वो अता कर दे आमीन तमाम मेरी बहनी और भाई कमेंट में एक मरतबा आमीन जरूर लिख दें कोई पता नहीं कि किसकी आमीन कबूल हो जे पाक आपकी दुआ को कबूल कर लें मेरी बहनों सूर की अगर मैं फजलत बयान करूं तो चंद जो इसकी फजीलतें में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं रसूल का फरमान है कि जो शख्स जुम्मा के दिन सूर कहा की तलावत करता है तो जिस जगह वो सूरज कहाव की तलावत करता है वहां से लेकर मक्का मुकरमा तक का फासला जो है वह नूर से मुनवर हो जाता है सुबह एक और जगह ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मा के दिन सूर कहाव की तिलावत करता है तो उसके लिए दूसरे जुम्मा तक नूर जो है वो जगमगाता रहता है ये सुनन नसाई की दोनों अहदीस हैं। एक और जगह जो है हजूर नबी पाकलम ने फरमाया कि जो शख्स जम्ह के दिन सूर कहाव को ऐसे ही पढ़े जैसे कि वह उतारी गई है यानी तजवीद के साथ अच्छे अंदाज में और फिर वो दजाल को पा ले तो दजाल इस पर मुसलत नहीं होगा ये भी सुनन नसाई शरीफ की हदीस है एक और जगह आप ने फ़रमाया कि जो शख्स सूर कहाफ की इब्तदाई दस आयात याद करेगा वो दजाल के फितना से बचा लिया जाएगा सुबह कितनी ज़्यादा फजीलत है सूर कहाव की तो आज के ये जो चार वजाइफ़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वह चार वज़ायफ़ कौन से हैं पहला वजीफ़ा यह है कि अगर आप अपने घर में रोजक में तंगी की वजह से परेशान आपके घर में बहुत ज्यादा गुर्बत आ चुकी है आप चाहते हैं आपे घर में जुम्मा के दिन आपने साथ मरतबा पढ़ना है जुम्मा के दिन आपने सात मरतबा पढ़ना है और इस अमल को आपने फजर की नमाज के बाद करना है यकीन कीजिए अमल अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर से रजा की जो भी तंगी होगी वह दूर हो जाएगी घर में बेतहाशा दौलत बरसना शुरू हो जाएगी जो दूसरा वजीफा है वो ये है कि अगर आप अपनी औलाद को फर्मा बरदार बनाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपकी जो औलाद है वो आपकी फर्मा बरदार बन जाए आपका कहा माना शुरू कर दे तो आपने करना यह है कि सूर कहाव को जो है आपने रोज़ाना ग्यारह दिन तक आपने सूर कहाव को सुबह फजर की नमाज़ के बाद आपने तीन मरतबा पढ़ना है और पढ़कर आपने पानी पर फूंक मार देनी है वो पानी आपने जो है अपने बच्चों को पिलाना है यकीन कीजिए ग्यारह दिन के अंदर अंदर आपके जो बच्चे हैं वह फर्म फर्माबरदार बन जाएंगे जो तीसरा वजीफा वो ये है कि अगर आप बीमारियों को ख़त्म करना चाहते हैं आपके ऊपर कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो कि ख़त्म नहीं हो रही या घर में कोई फ़र्द है जो बीमार हो चुका है तो आपने करना यह है कि सूर्य कहाव को एक मरतबा पढ़ना है आपने सूर्य कहाव को एक मरतबा पढ़ना है और साथ आपने सात दफा फातिहा पढ़नी है और सात दफा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है एक दफ़ा सुर कहाव पढ़नी है सात दफ़ा सतफ़ात पढ़नी है और सात दफ़ा आपने कुर्सी पढ़कर जो है उस पानी पर पानी पर आपने फूँक मारनी है और वो पानी आपने बीमार को मरीज शख्स को आपने पिलाना है ये अमल जो है आपने 21 दिन तक करना है और इस अमल को आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं यकीन कीजिए आपके घर से जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी जो बीमार शख्स है वो इन शुरुस्त हो जाएगा जो चौथा वजीफा वो ये है कि अगर आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं घर में बेसकूनी आ गई है घर में जो है सुकून नहीं है आपस में नफरतें पैदा हो गई हैं आप चाहते हैं आप घर में सुकून आना शुरू हो जाए तो आपने करना यह है कि सूरह कहाव जो है सूर्य कहाव को आपने लिखकर अपने घर में जो है किसी भी दीवार पर आपने लगा देना है सूर्य कहाव को आपने किसी भी कागज पर लिखना है या लिखी हुई आप ले लें और उसको आपने अपने घर में कहीं भी लगा देना है और साथ आपने करना है यह है कि सूर्य कहाव को आपने ईशा की नमाज के बाद जो है एक मरतबा पढ़ना है और पढ़कर आपने अपने घर के चारों कोनों में आपने फूंक मारनी है यह अमल आपने करना है अगर अमल आप कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आपके घर में सुकून आ जाएगा घर में जो लड़ाई झगड़े वो खत्म हो जाएगी और आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये थे के चार वज़ाइफ इन वज़ाइफ को आप लाजमी करें यकीन कीजिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी आपके घर में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी तो इस अमल को आप लाजमी करें और इस वीडियो को सदका जॉरिया समझ कर लाजमी ونشير بكر جزاك الله